दोस्तों क्लास के बच्चों के लिए हिंदी की ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। तो बच्चों आज है जनसंचार माध्यम के लिए लेखन के विभिन्न तरीके, यानी जनसंचार माध्यम के लेखन के कौन कौन से तरीके। तो पहले तो हम ये पढ़ेंगे कि जनसंचार किसे कहते हैं। तो लोगों के मध्य सूचनाओं के आदान प्रदान करने को क्या कहते हैं, जनसंचार। इसको कहते हैं जनसंचार, यानी लोगों के मध्य हम जो सूचनाओं को एक दूसरे के आगे प्रकट करते हैं और दूसरों की सूचनाओं को सुनते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, जनसंचार कहते हैं। तो जनसंचार के अनेक क्या हैं, माध्यम हैं, जैसे समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन और इंटरनेट आदि तो पता लगा कि जनसंचार माध्यम के अनेक माध्यम हैं। तो कौन कौन से हैं, समाचार पत्र, पत्रिकाएं, रेडियो, टेलीविजन और क्या है, इंटरनेट आदि। तो अब हम पढ़ते हैं समाचार पत्र और पत्रिकाएं। तो समाचार पत्र और पत्रिकाएं क्या होती है, इनमें कौन, इनको कौन क्या करता है। तो जो कौन होते हैं, जो संवाददाता होते हैं, वो समाज के हर एरिया यानी हर क्षेत्र में जाते हैं और वहां से सूचनाएं क्या करते हैं, इकट्ठा करते हैं। और सूचनाओं को इकट्ठा करने के बाद वो किसको देते हैं, किसको देते हैं, संपादक को देते हैं। और संपादक उनको क्या करता है, संपादित करता है और फिर उन सूचनाओं को पत्र, पत्रिकाओं और समाचार पत्रों में प्रकाशित कर देता है। तो इसके बाद आता है क्या, आता है टेलीविजन। तो टेलीविजन क्या है, टेलीविजन एक दृश्य और श्रव्य दोनों माध्यमों के अंतर्गत आता है, यानी दृश्य और श्रव्य माध्यम है। इसमें क्या होता है, भी जो एंकर होता है वो क्या करता है, वो खबरें देने का कार्य करता है। और वो खबरें कहाँ से प्राप्त करता है, तो एंकर जो है किसे, संवाददाता से इकट्ठी की हुई खबरें और चैनलों से प्राप्त करता है। और फिर उसको क्या करता है, फिर उसको यानी टेलीविजन में दृश्य माध्यम से और श्रव्य माध्यम से उन खबरों को प्रस्तुत करता है। तो अगला माध्यम है रेडियो। रेडियो क्या है, रेडियो एक श्रव्य माध्यम है। हम सभी जानते हैं कि रेडियो एक श्रव्य माध्यम है, क्योंकि रेडियो के अंदर हमें दिखाई नहीं देता, सिर्फ क्या करता है, सुनाई करता है। तो इसके अंतर्गत क्या होता है, वाचक जो है सूचनाओं को क्या करता है, यानी उन खबरों को संप्रेषित करता है। और वाचक ही उन सूचनाओं को यानी उन खबरों को इकट्ठा करता है और उनको क्या करता है, उनको सूचनाओं को इकट्ठा करता है और उनको क्या करता है, संपादित यानी उनका संपादन करता है। अगला है इंटरनेट। इंटरनेट दुनिया यानी संसार का सबसे आधुनिक माध्यम है और इसमें क्या होता है, इसमें संपूर्ण संसार यानी सारे संसार की जो सूचनाएं हैं वो कोने कोने से इकट्ठी की जाती हैं। और उनको क्या क्या जाता है, इंटरनेट में जो सूचनाएं होती हैं उनको क्या क्या जाता है, कभी भी क्या क्या जा सकता है, उनको पढ़ा जा सकता है। तो बच्चों ये था जनसंचार माध्यमों के लिए लेखन के तरीके। तो कौन कौन से तरीके थे, मैं आपको रिवाइज करवा देती हूँ कि समाचार पत्र और पत्रिकाएं, टेलीविजन, रेडियो और इंटरनेट। आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया। धन्यवाद।